दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपने गांव में। बहुत ही शानदार एक नज़ारा देखने को दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये है हमारे गांव का ताल, यानी हमारे परिवार का ताल। सिंगाड़े की खेती होती है। राजस्थान के करौली ज़िले का ये गांव मौजूद है, मैं मौजूद है। और पत्थर, लाल पत्थर के लिए जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये गाय हैं और ये बेर, बेर जानते हो ना आप, स्वादिष्ट बेर। तो यहाँ पे स्वादिष्ट बेर मौजूद हैं। हम इन स्वादिष्ट बेरों को लेके खा सकते हैं और खाते भी हैं। कई बार बचपन में आते थे तो बहुत सारे बेर खाते थे यहाँ पे। सर्दियों का मौसम है, शानदार धूप खिली हुई है और बेर, ताल, बे सिंगाड़े, नेचुरल शुद्ध वातावरण, एक रमणीय जगह। और देखिए, आपके सामने एक बेर तोड़ते हैं, लाल बेर बिल्कुल। ये देखिए, इतने सारे बेर लगे हैं। कांटे में हाथ फंस गया है, थोड़ा टफ है निकालना। ओहो, ये बेर तो हाथ नहीं आया, कोई और दूसरा बेर देखते हैं। ये बेर देखिए, यहाँ पे सूखे बेर, ये देखिए, अब इसको खाते हैं। शानदार बेर है। थैंक यू। गाँव राजपूतों का एक गांव, और यहाँ पे बेर तोड़ते हुए करौली जिला अपने लाल पत्थर के लिए, साथ ही साथ ये विटामिन से भरपूर बेरों के लिए फेमस है। इस तरह हमने बेर खाया। साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह हमारे पुरखों का, हमारे परिवार का बहुत बड़ा ताल है और इसमें सिंगाड़े की खेती की जाती है, जो कि आपके लिए पानी की कमी को दूर करता है, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और स्वास्थ्यवर्धक है। थैंक यू। थोड़ा काम लग रहा है, अब घर जा रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो कर ले, कहाँ देख रहा है? मैं तो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा। हो ये तो कर पता, अब घर वाले एक जान नहीं मिल लगे पता सी। वो अपनारी मानता खत्म है क्या? मानता खत्म है, जबकि बाबू वो परात खूब भर रही है। बाबू खूब एड़ दो भर रही हो, वो बढ़िया। ऊंचे गांव का पीलिया के लिए मशहूर था पहले, जब नहीं लेता था। अरे भाई, ऊंचे गांव चले जाओ, अब हमारे मनियापुरा में है, वो एक नया नहीं लेता। बाप का इतना फला दुनिया आ गया, हर शनिवार और बदन के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेता भैया। तो जल्दी काया पलट होने वाली है इस जगह की। और आज सब कौन बोले? कोई बोले भाई, कोई नहीं बोले। बाबा के देश में आने से बाबा जी से तक मैं ऊंचा लाओ लाओ लाओ, इधर देखो सभी एक बार। दादा, ओ बिक्की दादा, एक बार देखो सब, पापा देखो एक बार। सेंड कर दियो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अंकल, ओ अंकल, ठीक है, थैंक यू।